दोस्तों आज की इस वीडियो में हम व्हाट्सएप की कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे जिनका इंतजार लोग काफी समय से कर रहे थे। यह दोस्तों हम बात करेंगे व्हाट्सएप के डिसअपीयरिंग मैसेज के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम ओपन करते हैं अपने व्हाट्सएप को और WhatsApp ओपन हो जाने के बाद यहाँ से अगर हम किसी चैट को ओपन करते हैं और चैट ओपन हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम ऊपर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डिसअपीयरिंग मैसेज का। दोस्तों हो सकता है इस फीचर के बारे में आपको पहले से पता हो लेकिन नए अपडेट में इसमें काफी कुछ चेंजेज हो चुके हैं। जैसे यहाँ से अगर हम इसे ओपन करते हैं यहाँ पे हम क्लिक करते हैं देन यहाँ पे हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे, तो दोस्तों यहाँ पे पहले दो ऑप्शन मिलता था ऑन और ऑफ का, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे आप इसे अपने अनुसार से और भी ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि आप जो भी व्हाट्सएप पे मैसेज को सेंड करें वो ऑटोमेटिक 90 दिनों के बाद डिलीट हो जाए तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं और चाहते हैं कि 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए तो यहाँ पे आप 7 दिन पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो 24 घंटे के अंदर ही डिलीट हो जाए भेजे गए व्हाट्सएप की मैसेज तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे पहले दो ऑप्शन मिलते थे ऑन और ऑफ का, अगर आप यहाँ से ऑन करते थे तो वो 7 दिन के बाद खुद से डिलीट हो जाता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे नए अपडेट में आप इसे और भी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे नीचे में आपको एक एडवांस ऑप्शन मिल जाता है ट्राई डिफॉल्ट मैसेज टाइमर, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको उसी तरह का सेटिंग मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ से अगर आप इस सेटिंग को अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 24 घंटे पे सेट करते हैं तो यहाँ पे आप जो भी सेट करेंगे वो सिर्फ नए चैट के लिए सेट होगा, मतलब कि अभी आप जिनसे चैट करेंगे उन पे ये सेटिंग अप्लाई होगा, जो पुराने चैट होंगे उन चैट में से कोई भी मैसेज डिलीट नहीं होंगे। तो अगर आप नए चैट के लिए इस सेटिंग को लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले वाले चैट पे भी ये सेटिंग अप्लाई करना चाहें तो फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये अपडेट अभी WhatsApp के बीटा वर्जन में है इसलिए सभी लोगों को ये अपडेट अभी नहीं मिला हुआ है। आप अपने WhatsApp को अपडेट करके देख लीजिएगा, हो सकता है आप में ये अपडेट आया हुआ हो। अगर ये अपडेट आपके WhatsApp में अभी नहीं आया हुआ है तो फिर आप अपने WhatsApp को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिएगा, आपको अभी ये अपडेट जल्दी मिल जाएंगी।